गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको हिंदी सेकंड पढ़ाऊंगी। हिंदी सेकंड से लेसन सेवन पढ़ाने जा रही हूँ मैं आपको। लेसन का नाम है विशेषण। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम के विषय में बताया है। संज्ञा क्या होती है बच्चों? कि जो है संज्ञा क्या जो है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, जिसके भी नाम हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो संज्ञा की श्रेणी में आती हैं। अब सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब छोटा सा उदाहरण आप इसमें देखिए कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। नंबर वन, मेरे पास नीले रंग का बॉक्स। नंबर टू, इसमें दो पेंसिलें हैं। नंबर थ्री, लंबी पेंसिल टूट गई है। नंबर थ्री, रबर हल्की है। और नंबर फाइव, इसमें 2 मीटर रिबन है। अब किसमें ध्यान से देखिए बच्चों, मेरे पास नीले रंग का बॉक्स, इसमें बॉक्स क्या हो गया? संज्ञा। मेरे शब्द क्या है? ये सर्वनाम है। और नीला रंग क्या है? ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता होता है। दूसरे वाक्य में देखिए, इसमें 2 पेंसिलें हैं। पेंसिल क्या है? आपकी संज्ञा है। और 2 क्या है? ये विशेषण है, जो कि पेंसिलों की विशेषता बता रहा है। नंबर थर्ड में देखिए, लंबी पेंसिल टूट गई है। इसमें फिर वही मैं रिपीट करूंगी, पेंसिल शब्द है संज्ञा और लंबी शब्द है विशेषण। रबर हल्की है, रबर संज्ञा है और हल्की विशेषण। इसमें 2 मीटर रिबन भी है। इसमें देखिए, रिबन क्या है? आपका संज्ञा शब्द है, इसमें सर्वनाम शब्द है। और 2 मीटर ये किसकी विशेषता बता रहा है बच्चों? संज्ञा, जो कि रिबन है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, इन वाक्य में देखिए नीले, 2, लंबी, हल्की तथा 2 मीटर जो शब्द हैं वो किसी न किसी वस्तु की विशेषता बता रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा। और जिस शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और जिस शब्द मतलब जिसकी जिस शब्द का मतलब है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो शब्द जो होता है उसको हम संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। मतलब कि अब पहले वाक्य का एग्जांपल देखिए, मेरे पास नीले रंग का बॉक्स है, इसमें बॉक्स क्या हो गई? संज्ञा हो गई, तो ये विशेष्य हो गया। और नीला रंग क्या हो गया? ये विशेषण। फिर देखिए, काला घोड़ा दौड़ता चला जा रहा है, तो काला क्या है? विशेषण है। और घोड़ा विशेष है, मैं 4 केले खाऊंगा, 4 विशेषण है और केले विशेष है। मीठा दूध पीना चाहिए, इसमें मीठा विशेषण है, दूध विशेष है। 2 लीटर दूध खरीदो, 2 लीटर विशेषण है, दूध विशेष है। थैले में कुछ सेब हैं, कुछ विशेषण है और सेब विशेष है, सेब विशेष है। अब घोड़ा, केले, दूध से, ये सारे जो है क्या है? संज्ञा शब्द। दूसरा एग्जांपल देखिए, विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष के बारे में भी बताते हैं। सुंदर बालक, ये किसी व्यक्ति का गुण है। कंजूस आदमी, ये दोष है। काली साड़ी, काला रंग क्या है? वो एक गुण है। कड़वी दवा, ये स्वाद के विषय में बता रहा है। विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति के संख्या के बारे में भी बताते हैं, जैसे 3 सेब, ये एक
निश्चित संख्या है। पांच कमीजें निश्चित संख्या। कुछ लड्डू जिनको जो चीजें हम अनुमान लगा के कहते हैं बच्चों, वो अनिश्चित संख्या होती है। विशेषण किसी वस्तु का परिमाण अर्थात मात्रा के बारे में भी बताते हैं, जैसे 4 मीटर कपड़ा तो ये एक निश्चित माप है, 2 किलो चीनी निश्चित तौल है, 2 लीटर दूध निश्चित मात्रा है, थोड़ी चीनी मतलब एक अनुमान हमने लगाया ये अनिश्चित मात्रा है, थोड़ा दूध अनिश्चित मात्रा है। कई बार सर्वनाम भी विशेषण का काम करते हैं, ऐसा तब होता है जब ये संज्ञा के पूर्व आते हैं, जैसे वह घर, कोई आदमी, जैसे कि घर का कई घर हैं और हमने किसी एक घर को दिखाया, हमने कहा वो वाला घर या वह वाला घर या वह कोई आदमी। इस तरह के जब शब्दों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व हम करते हैं तब वे क्या हो जाते हैं, वे सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करते हैं। अब आगे आपको कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, जैसे कि पीला फूल खिल रहा है, इस वाक्य में विशेषण क्या है ये आपको बताना है। इसमें पीला विशेषण है, मैं 2 सेब खाता हूँ, काला नमक खाओ, रेखांकित शब्द क्या है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, और एक छोटा सा बच्चों पैराग्राफ दिया है जिसमें कि आपको विशेषण और विशेष अलग अलग ढूंढ करके 2 श्रेणी में लिखने हैं। एक जगह आपको विशेषण शब्द लिखने हैं और दूसरे तरफ आपको विशेष शब्द लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।